हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट परमानेंटली ऑन एंड्रॉयड फोन। अगर आप एंड्रॉयड फोन यूजर हैं और अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने फेसबुक का अकाउंट परमानेंटली डिलीट करते हैं तो आपके सारे मैसेज और मैसेज में जो डाटा है या फिर आपकी जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। तो उसको आप बैकअप कर लीजिए, उसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली आप डिलीट कर सकते हैं। तो फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक की यहां पर प्रोफाइल पर आ जाना है। उसके बाद यहां पर आपको राइट साइड में मेन्यू के राइट साइड में ऑप्शन दिया गया होगा सेटिंग्स का, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको मेटा का ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर का, जिसमें आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल ऊपर देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि डीएक्टिवेशन और डिलीशन का ऑप्शन है, यानी कि यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर आपको प्रोफाइल चूज कर लेनी है, किस प्रोफाइल को आप यहां से डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, डीएक्टिवेट और नीचे वाला आपका डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर लिखा भी हुआ है कि दोबारा से आप इस अकाउंट को वापस नहीं ला सकते, इसका कंटेंट पूरा डिलीट हो जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेंजर में ऑल मैसेज आपके डिलीट हो जाएंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहां से डिलीट हो जाएगी जब आप फेसबुक की इस प्रोफाइल को डिलीट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर पूछा जाएगा कि बिफोर यू डिलीट यू मे एबल टू हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप डिलीट क्यों करना चाहते हैं, तो यहां पर आप बता सकते हैं या फिर आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करके आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि परमानेंटली डिलीट अकाउंट वंस डिलीटेड डिलीट आपकी प्रोसेस जब हो जाएगी तो आप उसको वापस नहीं ला सकते, दोबारा से बताया गया है। और यहां पर देख सकते हैं कि डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है और नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आपको पासवर्ड डालना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहां पर पासवर्ड डाल देता हूं और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं कि कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, यानी कि आपका जो अकाउंट है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, सिर्फ आपने डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहां पर यू हैव 30 डेज टू रिएक्टिवेट योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट को 30 डेज के अंदर रिएक्टिव भी कर सकते हैं पर 30 डेज के बाद यह परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो जस्ट आपने डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट देख सकते हैं कि सेशन एक्सपायर्ड हो चुका है, प्लीज लॉग इन अगेन, यानी कि मेरा जो अकाउंट था वो फेसबुक का डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आप बहुत ही आसानी से अपने फेसबुक का जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए, फेसबुक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।